जय श्री महाकाल, जय माँ गायत्री। माता रानी आप सभी का कल्याण करें और आपको सुखी रखें। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और आपको आज साधना बता रहे हैं वो है लोना समारी की साधना है, जो एक प्राचीन साधना है, जो पूर्व क्षेत्र में बंगाल असम में इनकी साधनाएँ की जाती है। आज भी बहुत इनकी प्रसिद्ध साधना है और बहुत से मंत्र ऐसे होते हैं कि जिसमें दुआई लगती है, जैसे गुरु गोरखनाथ की दुआई लगती है, माँ काली की दुआई लगती है, वैसे ही इनकी भी दुआई लोना समारण की ऐसी लगती है मंत्रों के पीछे। तो ये बहुत ही विशेष साधना है और तामसिक पद्धति की साधना है। इस साधना को आपको करना चाहिए तामसिक पद्धति में, और तामसिक पद्धति की ये साधना करने से इसमें सफलता भी जल्दी मिलती है। तो इस मंत्र में आपको इनकी विधि के बारे में बताएंगे, उनकी पूजा कैसे करनी है, इसके अलावा और सरल तरीके से बताएंगे। कोई आपको विशेष कोई सामान या सामग्री लाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है कि करने की विधि है वो उसके हिसाब से सामान्य बता रहे, तो सामान्य विधि से आपको वो भी आपको सही ढंग से करने है। ऐसा नहीं कि सामान्य विधि है लेकिन उसमें भी कुछ भूल चूक हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। इस विधि को आपको आराम से करना है। आप हो सकता है घर के किसी कमरे में भी कर सकते हैं, जो एकांत होना चाहिए, क्योंकि तामसिक साधनाएँ होती है तो वो थोड़ी उग्र होती है और इनकी सिद्धि जल्दी होती है और कम समय में कम जप में भी इनकी सिद्धि होती है। और साबर मंत्र है तो साबर मंत्र में जल्दी इनकी सिद्धि होती है, क्योंकि साबर मंत्रों में दुहैया होती है। ये प्राचीन तरीके की देसी पद्धति मानी जाती है, साबर मंत्र है वो। तो इनकी साधनाएँ आपको किस प्रकार से करनी है आपको पूरी इस वीडियो में जानकारी देंगे, क्या क्या सामान रखना है, उनकी सामग्री का क्या इंतजाम करना है, ये क्या इनका आह्वान कैसे करना है सिद्ध होने पर, ये भी आपको बताएंगे, और इसका मंत्र क्या है ये भी आपको बताएंगे। तो लोना समारी है ये, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में कामरू क्षेत्र में इनकी पूजा होती थी और मानी जाती है कि ये इस्माइल जोगी की शिष्या थी। ठीक है, अब इनकी अपने को विधि क्या है इस बारे में बताता हूँ कि संध्या काल में इनको पूर्व दिशा की ओर में मुख करना है। पूर्व दिशा की ओर मुख इसलिए करना है क्योंकि पूर्व देश में मानी जाती थी। ठीक है, बंगाल आसाम क्षेत्र उधर ये मानी जाती थी और विशेष है आज भी बहुत इनकी साधनाएँ होती हैं और आज के क्षेत्र में सभी जगह इनकी साधनाएँ होती हैं। आपको सामग्री क्या लाना है, आसन आपको कोई भी लेना है, इसमें आसन के कोई बंधन नहीं है। सामग्री के लिए आपको दीपक तेल का चाहिए इसमें। ठीक है, भोग के लिए मिष्ठान है, इलायची है, लौंग है, पान है। ठीक है, ये चीज़ें आपको चाहिए मिष्ठान में, और हो सके तो शराब की व्यवस्था कीजिएगा, शराब का भी भोग लगा दीजिएगा इसमें, ताकि ठीक रहेगा, इनकी साधना में सफलता जल्दी मिलेगी। और इन सभी चीज़ों का जैसे लौंग है, इलायची, पान, मिष्ठान, इनका जोड़ा रखना है आपको, बिना जोड़े के नहीं रखना है। ठीक है, अब आपको ये पूजा में रखना है और आपको गुरु पूजन का मंत्र जप करना है, एक माला, और गणेश जप करना है 5 या 7 बार गणेश का आह्वान करना है, श्री गणेश का। इसके उपरांत इस मंत्र का आपको जप करना है। अगर आपके पास में कोई सुरक्षा चक्र है तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गुरु पूजन है, गुरु माला है, कोई भी कीजिएगा। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो गणेश मंत्र का एक माला जप कीजिएगा। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो आप किसी शिव जी के मंत्र का, जैसे ओम नमः शिवाय है तो उनका एक माला जप कीजिएगा, या भैरव जी के मंत्र का ओम बम भैरवाय नमः, इसका एक माला जप कीजिएगा। ठीक है, और ये जपने के बाद में आपको इनकी साधना करनी है। अगर वो भी नहीं है तो लोना समारण माँ को ही अपना गुरु वगैरह सब कुछ मान लीजिएगा और उनकी आराधना कीजिएगा कि जो भी है आपके शरण में है। ठीक है, इस तरीके से रख के इनका जप कीजिएगा। और ये साधना आपको 21 से 27 दिन तक करनी है और मिनिमम रोज़ की 3 माला जप करनी है इनकी। ठीक है, 3 माला मिनिमम जप करनी है 21 से 27 दिन तक। 21 दिन में आपको सिद्धि मिल जाएगी। 21 दिन में जैसी सिद्धि मिलती है, आप 21वें दिन
सिद्धि मिलती है। 21 दिन होने के बाद में 21वें दिन की जो भी साधना है वो पूर्ण होने के बाद में आप ध्यान में बैठिएगा और उसी दिन इनका आह्वान कर सकते हैं। और ये बीच में भी आपको 3 से 7 दिन के अंदर जब भी इनकी साधनाएँ शुरू करेंगी तो 3 से 7 दिन के अंदर इनका आभास होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इनका अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और जब आपको लगता है कि 21 दिन में ये साधनाएँ अगर क्लैरिटी से नहीं हो रही है तो 27 दिन कीजिए, 27 में आपको अगर कसर रहती है तो फिर 41 दिन तक कीजिएगा। ऐसे करके ये साधनाएँ आपको 41 दिन के अंदर कोई भी साधनाएँ होती है, ये मान्यता है प्राचीन काल के, प्राचीन काल से बहुत ही मान्यता है कि कोई भी साधना होती है वो ज़्यादा में ज़्यादा 41 दिन में अगर सही विधि से करते हैं, कितनी भी बड़ी होती है, कितनी भी उग्र होती है, तो 41 दिन के अंदर वो साधनाएँ सफल होती होती है। अगर आपकी विधि से ये श्रद्धा है, भाव है, तो आपके 41 दिन अंतिम होते हैं। इस तरीके से ये साधना करनी है और पहले दिन भी ये सब भोग लगाना है और अंतिम दिन भी आपको ये सब भोग लगाना है। अगर बीच में आपको सिद्धि मिल जाती है फिर भी आपको 21 दिन तक ये साधनाएँ करनी है लगातार मिनिमम, ठीक है, क्योंकि बीच में छोड़ना नहीं है। हो सकता है आपको ऐसा आभास हो जाए कि अपने को तो सिद्धि हो गई है, बाकी नहीं करना है, तो वो आपको एक भ्रम पैदा करने के लिए ये हो सकता है। कोई भी शक्ति होती है अपनी अपनी जो भी पहचान बताती है, ठीक है, और साधक पर भ्रम पैदा करती है ताकि वो साधक साधना को छोड़ सके, या तो बीच में आपको मन विचलित करेगी कि आपको साधना करनी नहीं है यार, ये सिद्धि नहीं हो रही है यार, इसमें अनुभव नहीं हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि अचानक की ये तो सिद्धि हो गई, ये आ रही है बार बार आ रहे हैं, इनका आभास हो रहा है, जैसा कह रहा हूँ वैसे होने लग गया, 10 दिन के अंदर तो सिद्धि हो गई, तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि वो एक भ्रम होता है, वो साधना छुड़ाने का भ्रम होता है। तो आपको इस तरीके से ये साधना करनी है, 3 माला करनी है रोज़ की रोज़, और जो भी सामग्री है वो रखने। ये करने के बाद में जब भी पहले दिन आप करते हो तो पूरी रात आपको वहीं जहाँ पे पूजा पाठ करते हो ये सामान वहीं रहने देना है। फिर अगले दिन ये सामान, जो भी सामान है, सामग्री है पूजा पाठ का, ये आपको कहीं उजड़ स्थान पर जाना है जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, या कोई खंडर हो, या कोई किसी नदी का किनारा हो, या जंगल हो, तो ऐसा आपको लगता है कि ये वास्तव में कोई उजड़ स्थान है, तो वहाँ पे जाके ये जो भी सामग्री है इसको छोड़ के आना है। और माता रानी का पानी का भोग वगैरह भी, पानी का लोटा है या कोई पात्र लेके जाना है, वहाँ पे पानी भी रख के आना है, ठीक है, साथ में। इस तरीके से ये साधना करनी है और अंतिम दिन भी ये करना है। ऐसा करने से साधना में सफलता हो जाती है, सफलता मिल जाती है, ठीक है। अब इनका मंत्र के बारे में आपको बता देते हैं, मंत्र आप सुनिएगा। मंत्र भी साबर मंत्र है लेकिन छोटा सा मंत्र है, आप सुनिएगा। ओम नमो आदिश गुरु को, लूना समारिन जगत की बिजुरी, मोती हेल समके जो, अमुक पिंड में जान करे विजान करे, तो उस रंडी पे फिरे द्वाई तख्त सुलेमान पैगंबर की, फिरे मेरी शक्ति भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वासा, ठीक है। ये मंत्र है, इसको आप आराम से लिखिएगा, एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। और इसमें जहाँ पे अमुक लिखा है वहाँ पे आप अगर किसी को, किसी का जो भी आप प्रयोग करना चाहते हो, तो उस पर, जिस पर भी इंसान पर प्रयोग करते करना चाहते हो, तो उसका नाम लगा के ये साधनाएँ कर सकते हो। जैसे वंशीकरण का कर रहे हो, महारण का कर रहे हो, मोहन का कर रहे हो, उषाटन का कर रहे हो, तो अमुक की जगह उस इंसान का है, उसका नाम लगाना है। ये आह्वान करने के लिए आपको इस मंत्र से आप षटकर्म कर सकते हैं। और इसमें दुआई है वो सुलेमान पैगंबर की लगी है। ये इसमें आपको धर्म में भी परिवर्तन, अलग अलग धर्मों का मिश्रण हो गया है, मुस्लिम धर्म का भी हो गया है, हिंदू धर्म का भी हो गया है, तो ये एक विशेष शक्ति उत्पन्न होती है इनसे, तो आपको इसका प्रयोग करना है षटक्रम में। ये साधना करने के बाद में आपकी कामना पूर्ण होगी। दोबारा सुनिएगा मंत्र, ओम नमो आदेश गुरु को, लूना समारिन जगत की बिजुरी, मोती हेल समके जो, अमुक पिंड में जान करे बिजान करे, तो उस रंडी पे फिरे दुआई तख्त सुलेमान पैगंबर की, फिरे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पुरो मंत्र ईश्वरो वासा। ये मंत्र है, इसको वीडियो रोक के आप आराम से लिखिएगा।
और इनकी साधना कीजिएगा, 100% इसमें सफलता मिलेगी। जय श्री महाकाल, जय माँ गायत्री।